Can start, please reply in the question box. Good morning, all of you. Can you hear me? We can start. Good morning, all of you. Can you hear me? We can start. Please reply in the question box. Okay, so let's start. UPL profit book कर लिया. आरती इंडस्ट्रीज बीटीएसटी था. अगर आपको होल्ड करना आप होल्ड रख सकते हो. पहला कैंडल काफी अच्छा कैंडल बना है. You can see here, it's a buyer's candle, so you can hold this. काफी अच्छा मूवमेंट है. I think ये हाई क्रॉस करेगा, so soon you will see 1100 के ऊपर चला जा सकता है. So 1120, 1110 तक जा सकता है. 20-25 रुपए का मूवमेंट आ सकता है इसमें. काफी अच्छा कैंडल है. फर्स्ट कैंडल बहुत अच्छा कैंडल है. KNR होल्ड करना है, LG इक्विपमेंट होल्ड करना है. फेडरल बैंक अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है आप कर सकते हो. फेडरल बैंक एग्जिट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ये तीन स्टॉक होल्ड करना है. आलोक इंडस्ट्रीज भी होल्ड करना है. ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है. नाउ टेल मी व्हाट यू आर एबल टू सी. निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है ये. क्या दिख रहा आपको? ये पहला कैंडल है. कैन एनीवन टेल मी कौन सा कैंडल दिख रहा है? विच कैंडल यू आर सीइंग? 15 मिनट का चार्ट है. पहला कैंडल फॉर्म हुआ है. कौन सा कैंडल है ये? कैन एनीवन टेल मी? मिस्टर राकेश, मिस्टर धीरज, मिस्टर श्रीराम, कैन यू टेल मी कौन सा कैंडल है ये? दिस कैंडल. विच कैंडल इज दिस? बायर्स कैंडल. नो मिस्टर विशाल, आपने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कंप्लीट किया है या नहीं किया है? ये वाला कौन सा कैंडल है? यस, ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इंट्राडे के लिए. ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन सी हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी इंट्राडे के लिए. करेक्ट, यस. इंट्राडे के लिए आपको ये कैंडल का हाई लो का ब्रेक होने का वेट करना है, उसके बाद में ही ट्रेड लेना है. निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ. वेट वन मिनट, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स हम लोग चेक कर लेते हैं. वेट वन मिनट. ठीक है, सो निफ्टी ने ये लेवल ब्रेक किया है बट ये लेवल अभी तक सस्टेन नहीं कर रहा है. थोड़ा वेट करते हैं. रेजिस्टेंस निफ्टी में भी बहुत ऊपर है. निफ्टी में रेजिस्टेंस है 18,200 से लेके 18,300, 400 के जोन में. बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एक्चुअली अभी ऊपर है, बहुत ऊपर है. इंट्राडे के लिए 18,200 के आसपास रेजिस्टेंस है. ये रेजिस्टेंस है इंट्राडे के लिए. और अगर हम लोग सपोर्ट देखें तो सपोर्ट है ये जो गैप दिख रहा है ना, 17,950 से लेके 850, 850 से लेके 17,950. दिस इज द इंट्राडे लेवल. निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल ये है. सॉरी, बैंक निफ्टी के लिए नहीं, निफ्टी के लिए. व्यू अभी भी बुलिश है. 18,000 के ऊपर है मतलब व्यू बुलिश है. 18,000 के ऊपर मतलब व्यू बुलिश ही है, इतना एक समझ लो. ठीक है, और बैंक निफ्टी का लेवल्स चेक कर लेते हैं. आज बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है. कैन यू सी? बैंक निफ्टी आज थोड़ा वीक लग रहा है. निफ्टी इज पॉजिटिव, बैंक निफ्टी इज 100 पॉइंट माइनस. आई होप यू आर एबल टू सी. यस, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है. बैंक निफ्टी थोड़ा फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में. और यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल भी बना है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको. ठीक है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा गिर सकता है. बैंक निफ्टी में फॉल आ सकता है बिकॉज बैंक निफ्टी इज नेगेटिव. बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, सपोर्ट चेक कर लेते हैं. सपोर्ट तो ये जो गैप है ना, ये सपोर्ट है 37,800 से लेके 38,000. दिस इज द सपोर्ट. रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए है, ये लेवल हो चुका है. ये लेवल के आसपास क्रॉस कर दिया है.
बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस अब वही है 38,500 से लेके 38,600, ये रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। इज दिस पार्ट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। पहले मुझे बता दो, निफ्टी का लेवल्स क्लियर है, बैंक निफ्टी का लेवल्स क्लियर है? करेक्ट। अच्छा, ये बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी ट्रेड किया है उसमें क्या, सॉरी, उसमें क्या एमटीएम है? कैन एनीवन टेल मी, बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी ट्रेड किया उसमें क्या एमटीएम है? 5,000 प्लस, मिस्टर विशाल, मिस्टर कार्लस परेरा, मिस्टर प्रदीप भट्टी, आपने भी ट्रेड किया होगा, मैसेज किया था मैंने, करेक्ट? 5,000 प्लस है बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी। आई होप यू रिसीव्ड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। यस, 3 2 3 दिन पहले ट्रेड किया था, याद है? 2 3 दिन पहले मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया हुआ है, चेक कर लो। मिस्टर विशाल, चेक कर लो व्हाट्सएप मैसेज, आपको मिला था स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी का, 6 तारीख को ट्रेड लिया था हम लोगों ने, 13th वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट मिला था, यस और नो, चेक कर लो। यस, वो वाली स्ट्रैटेजी में 5,000 प्लस है और यस यू कैन बुक प्रॉफिट, रिसीव्ड बट नॉट ट्रेडेड। ओके ठीक है, उसमें प्रॉफिट बुक कर लो, 5,000 प्रॉफिट बुक करके स्क्वायर ऑफ कर दो उसको, 5,000 प्रॉफिट बुक। ये स्क्वायर ऑफ कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो 5,000 रुपीज एंड बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी स्क्वायर ऑफ बुक प्रॉफिट। स्क्वायर ऑफ कर दो। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम लोग कल वाले वेबिनार में लेंगे, हम लोग एवरी वेनेसडे को लेते हैं। आज अगर आपको इंट्राडे के लिए ट्रेड लेना है ना, सबसे बेस्ट ट्रेड आज ये होगा, आज सबसे बेस्ट ट्रेड ये है, सेल सॉरी बाय निफ्टी फ्यूचर 1 लॉट, सेल बैंक निफ्टी फ्यूचर 1 लॉट। ये पेयर ट्रेडिंग हम लोग आज करेंगे, क्योंकि पेयर ट्रेडिंग आज बैंक निफ्टी और निफ्टी अलग डायरेक्शन में चल रहा है, निफ्टी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी नेगेटिव है, तो ये पेयर ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। वेट 1 मिनट, ये इंट्राडे ट्रेड है, 18,043 में बाई कर रहे हैं, 18,044 में बाई कर रहे हैं हम लोग, ये पेयर ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। और 13,318, 13,320 में हम लोग सेल कर रहे हैं, 13,38,320 में सेल किया है। ये ट्रेड लेना आप ट्रेड ले लो, ये हम लोग ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। बैंक निफ्टी को बाय करना है, बैंक निफ्टी को सेल करना है, प्योरली इंट्राडे ट्रेड है ये, प्योरली इंट्राडे ट्रेड है। यस, इंट्राडे के लिए कर लो, इट्स अ हेजिंग स्ट्रेटजी, करेक्ट, इट्स अ हेजिंग ट्रेड। फिर हम लोग स्टॉक स्कैनिंग करेंगे। ये हम लोग ने क्यों लिया, क्योंकि निफ्टी जो है वो 10 पॉइंट माइनस है और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट माइनस है, ठीक है? तो निफ्टी अगर रिकवरी आएगा तो निफ्टी सबसे पहले ऊपर जाएगा, और अगर फॉल आएगा तो बैंक निफ्टी में ज्यादा फॉल आएगा, करेक्ट? इज दैट पार्ट क्लियर? हम लोग क्यों ले रहे हैं ये, व्हाई वी हैव टेकन दिस ट्रेड, हैव यू अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाई। मिस्टर पीवी मूर्ति, मिस्टर प्रदीप भट्टी, कैन यू हियर मी? समझ में आया ना हम लोगों ने ये ट्रेड क्यों लिया है? यस, अगर आपको 2 लॉट करना है, 2 लॉट बाय करो, 2 लॉट सेल करो, करेक्ट? यस मिस्टर राकेश, अगर आपको दो दो लॉट करना है, 2 लॉट बाय, 2 लॉट सेल, क्वांटिटी सेम होगा, ठीक है? अभी हम लोग स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा फॉल आ सकता है, मैंने आपको यहां पर दिखाया भी है, ये देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ने बनाया था ना, ये ब्रेक कर रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत फॉल आ सकता है, 38,000 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। और मैंने आपको बोला ये वाला स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज ऊपर जा सकता है, इसमें मूवमेंट आना चालू हो गया है, इसके ऊपर जरूर ध्यान देना। स्टॉक स्कैनिंग कर लेते हैं, वेट 1 मिनट।
आइडिया 17% माइनस, ओ हो, आइडिया में क्या हुआ, ऐसा क्या न्यूज आया आइडिया में 17% माइनस। एबी कैपिटल ऊपर है, सुजलोन ऊपर है, टाटा स्टील, मेटल काउंटर्स आज 3-3% नीचे खुले, गैप डाउन खुले, जिंदाल स्टील, टाटा स्टील, ये सब गैप डाउन खुले आज। एनी पर्टिकुलर न्यूज इन मेटल, मेटल में कोई पर्टिकुलर न्यूज है क्या, मेटल्स में कोई पर्टिकुलर न्यूज आया है क्या, सब गैप डाउन खुले। अच्छा सारे मेटल स्टॉक्स आज 3-3% गैप डाउन खुले। आइडिया 20% का लोअर सर्किट लग गया फ्यूचर्स में, हैव यू सीन 20% का लोअर सर्किट लग गया आइडिया, आई थिंक अभी खुला है सर्किट। सेल कल मैंने शॉर्ट किया था, सेल आज 105 हो गया, ओ हो। 10 टावर, सारे सारे मेटल काउंटर्स आज नीचे, सेल, टाटा स्टील, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, समथिंग हैपनिंग, सॉरी, समथिंग हैपनिंग इन मेटल्स। कौन से स्टॉक ऊपर है पहले चेक कर लेते हैं। एबी कैपिटल ऊपर है, एचडीएफसी ऊपर है, एलेक्स, चलो 1 मिनट, 2 मिड कैप स्टॉक्स भी मिले हमें, चलो स्टार्टिंग में मिल गए 2 मिड कैप स्टॉक, काफी अच्छा है। एलेक्स केमिकल है एक, और एबी कैपिटल है, सुएन फार्मा है, ठीक है, एलेक्स केम, एबी कैपिटल, सुवेन फार्मा, और चेक कर लेते हैं और कौन से स्टॉक है। इंडिगो एक आया है, यूबीएल आया है, इंडिगो है, यूबीएल है, सोना कॉम है, 4-5 स्टॉक्स आया आज तो, इंडिगो है, यूबीएल है और सोना कॉम है, सोना कॉम, ठीक है, एक एक स्टॉक को एनालाइज करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये सारे स्टॉक्स रडार पर आए, सेल में सिर्फ मेटल काउंटर्स हैं, सेल में सिर्फ मेटल काउंटर्स है, ठीक है, सेलिंग में सिर्फ मेटल काउंटर्स है और कोई सेल में नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। ओ हो, क्या चार्ट है, जबरदस्त, पूरा रेंज ब्रेकआउट के साथ में ब्रेकआउट हुआ है, ये देखो लक्ष्मी ऑर्गेनिक, कैन यू सी कैंडल, देखो वॉल्यूम, देखो ब्रेकआउट, देखो लुक एट दिस, इज दिस परफेक्ट, व्हाट यू से, बट थोड़ा सा ऑपरेट, यस थोड़ा सा गैप अप काइंड ऑफ ये है थोड़ा, ओहो जगह भी बहुत है इसमें, कैन यू सी हियर, बहुत जगह है इसमें, ये सर्किट लगा है क्या मिस्टर विकी गाला, इज दिस सर्किट, आई थिंक 5%, 5% का सर्किट ही लगा है इसमें, चेक कर लो एक बार एलेक्स कैम, बट ये स्टॉक पे जरूर ध्यान देना, ये स्टॉक में मूवमेंट बड़ा आ सकता है, चेक कर लो इसमें सर्किट लगा, यस और नो, चेक कर लो एक बार, मिस्टर पीवी मूर्ति, मिस्टर राकेश, मिस्टर धीरज, चेक कर लो फटाफट इसमें सर्किट लगा है क्या 5% का, सर्किट लगाना है, यू कैनॉट बाय, प्लीज रिप्लाई, कैन यू हियर मी, सर्किट लगा है, करेक्ट, और स्टॉक देखते हैं फटाफट, एबी कैपिटल, एबी कैपिटल में, एबी कैपिटल में भी ब्रेकआउट तो है लेकिन रेजिस्टेंस के आसपास ही है, यहाँ पर डबल टॉप बना सकता है ये, एबी कैपिटल रेजिस्टेंस के आसपास है, 140 का रेजिस्टेंस है इसका, इसको थोड़ा वेट करते हैं, ऐड करके रखेंगे, वेट करते हैं। सुएन फार्मा, सुएन फार्मा भी ये ट्रेंड लाइन है क्लियरली, यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आवरली चार्ट पे भी वेट करना पड़ेगा इसको थोड़ा, सुएन फार्मा भी वेट करते हैं,
इतना परफेक्ट चार्ट नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा जगह है, इसमें थोड़ा जगह है, ये थोड़ा ऊपर जा सकता है। इंडिगो, इंडिगो ऊपर जा सकता है, इंडिगो में थोड़ा स्पेस है, इंडिगो यहां तक इजिली जा सकता है, ये लेवल तक। इंडिगो वी कैन बाय, यस। इंडिगो में मैसेज कर देता हूं मैं, वेट 1 मिनट। इंडिगो वी कैन बाय, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? प्लीज रिप्लाई। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? स्क्रीन दिख रहा है? आई एम गेटिंग रिप्लाई ऑफ मिस्टर पीवी मूर्ति ओनली, बाकी लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है भाई। प्लीज टाइप इन द क्वेश्चन बॉक्स। सर ऑल बिजी इन टेकिंग द ट्रेड मेकिंग प्रॉफिट। यस, आरती इंडस्ट्री इज 1100 नाउ। आरती इंडस्ट्री इज 1100, मैंने आपको बोला भी कि आरती इंडस्ट्री इज 1100 टच कर लेगा। देखो फर्स्ट कैंडल ही मैंने आपको बोला कि 1100 के ऊपर जाएगा ये स्टॉक, आरती इंडस्ट्रीज। चेक आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज चेक कर लो। छह हजार 300 प्रॉफिट बुक किया है क्या बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी में? ठीक है, 6,300 प्रॉफिट बुक किया है। यूबीएल का चार्ट चेक कर लेते हैं। यूबीएल में भी, ओ हो, यूबीएल में बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। यूबीएल का चार्ट ज्यादा बेटर लग रहा है। यूबीएल में भी बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। यू कैन सी हियर कैंडल, बहुत अच्छा कैंडल है, बहुत ही काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कोई ऊपर की तरफ टेल नहीं है, इट मींस एग्रेसिव बाइंग। यू कैन सी हियर बहुत अच्छा कैंडल है, एंड आई थिंक इट कैन इजिली यहां तक तो टच कर ही सकता है। और अगर ये लेवल ऊपर क्रॉस कर दिया देन इट कैन टच द लेवल्स ऑफ 1750, 1800, 1800 तक जा सकता है ये, 1800 तक जा सकता है ये यूबीएल। यस, इसके ऊपर आपको बाइंग की तरफ ध्यान देना है, इसका भी मैं मैसेज कर रहा हूँ, वेट 1 मिनट। यूबीएल में भी बाइंग की तरफ ध्यान देना। यूबीएल में भी बाइंग की तरफ ध्यान देना है, मैसेज कर रहा हूँ, वेट 1 मिनट। मैसेज किया मैंने, चेक कर लो। यूबीएल किया है, इंडिगो किया है, ठीक है, अभी तक दो ट्रेड लिया हम लोगों ने। और सोना कॉम भी चेक कर लेते हैं, सोना कॉम में क्लियर ब्रेकआउट है क्या? नहीं है। सोना कॉम में यहां पर भी टेल है, यहां पर भी टेल है, और यहां पर भी टेल है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, सोना कॉम क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये काफी अच्छा लंबा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई। दिखा, काफी अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है एक्चुअली, इट इज मेकिंग अ ट्रायंगल पैटर्न। ये ब्रेकआउट दे सकता है, कहीं भी दे सकता है, ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। 780 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आता है, अभी नहीं आता है तो थोड़ा वेट कर लो इसमें। यस, एलके इक्विपमेंट और केएनआर अभी भी बाय है, अभी भी होल्ड है। केएनआर मैंने आपको बोला भी था डिप देगा, कल आपको याद होगा मैंने आपको बोला भी था केएनआर में डिप आएगा। ये सोना बीएम, सोना कॉम में मैं आपको बोलूंगा तब बाय करना, अभी फिलहाल तो ये लेवल आसपास बार बार रेजिस्टेंस लेता है फिर गिर जाता है। यू कैन सी हियर, सो ये लेवल के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है फिर फॉल आ रहा है, तो इसको थोड़ा वेट करते हैं। एबी कैपिटल का चार्ट देख लेते हैं एक बार वापस। एबी कैपिटल में 140 का रेजिस्टेंस है, इसको रिमूव करते हैं। ये सर्किट लगा पड़ा है। और सुएन फार्मा, सुएन फार्मा में ब्रेकआउट हुआ है? नहीं, इसमें भी थोड़ा स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है चार्ट का, इसको रिमूव करते हैं, ठीक है।
आरती इंडस्ट्रीज 1100 का टच करके आया, 1102 तक जाके आया। अभी हम लोगों ने लिया है यूबीएल, लिया है इंडिगो, लिया है, ठीक है, ये दो स्टॉक लिया हम लोगों ने, यूबीएल लिया है, इंडिगो लिया है। और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पेयर ट्रेडिंग किया है, पेयर ट्रेड, निफ्टी बाय, बैंक निफ्टी सेल, पेयर ट्रेड किया हम लोगों ने। और स्टॉक चेक कर लेते हैं, आरती इंडस्ट्रीज ने हाई बनाया 1102 का। आरती इंडस्ट्रीज में काफी अच्छा मोमेंट आया। टाटा केमिकल में भी काफी अच्छा मोमेंट आ रहा है। यस, इंडिगो तुरंत लेते ही नीचे आ गया, वेट 1 मिनट, इंडिगो चेक कर रहा हूँ मैं। इंडिगो तुरंत ये गैप रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। 2070 का स्टॉप लॉस है, 2070 का स्टॉप लॉस है ये, देखो ये लेते ही थोड़ा नीचे आ गया। ये एक्चुअली नीचे ये गैप, ये जो गैप लेवल है ना, ये रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। गैप लेवल से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया ये, 2070 का स्टॉप लॉस है उसमें, थोड़ा वेट करते हैं। 10 रुपये अगर गिरेगा तो एग्जिट कर देंगे उसमें। इंडिगो में ट्रेड नहीं चला है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और कोई स्टॉक देखते हैं, अगर और कोई स्टॉक रेडार पर आया है। एक्सेल टेक्नोलॉजी आ रहा है और ग्रैन्यूल्स आ रहा है, जस्ट डायल भी आया, चलो जस्ट डायल, ग्रैन्यूल्स, एक्सेल टेक्नोलॉजी, आईसीआईएल भी आया है, आईसीआईएल, जस्ट डायल, इंडो काउंट है, जस्ट डायल है और ग्रैन्यूल्स है, ग्रैन्यूल्स, ये तीनों स्टॉक आए रेडार पर। ये तीनों स्टॉक भी चेक कर लेते हैं, वेट 1 मिनट। आई डोंट थिंक ये स्टॉप लॉस ब्रेक करेगा इंडिगो, बट लेट्स सी। मेरे हिसाब से ब्रेक करना नहीं चाहिए, इट इज जस्ट अ वोलेटिलिटी, नथिंग एल्स। इंडो काउंट में काफी अच्छा ब्रेकआउट है, यस, इंडो काउंट में भी काफी अच्छा ब्रेकआउट है, बट ये भी यू कैन सी हियर, इस रेजिस्टेंस के आसपास ही है, ये रेजिस्टेंस के आसपास है, तो इसको थोड़ा सा क्रॉस होने दो तो ही बाय करना है। इंडो काउंट में भी इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, ठीक है, ये हम लोग इग्नोर करेंगे। जस्ट डायल में क्या सीन है वो भी चेक कर लेते हैं। जस्ट डायल में हाँ, जस्ट डायल में ये ट्रेंड लाइन तोड़ा है इसने, जस्ट डायल में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया इसने, काफी अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है। जस्ट डायल में मूवमेंट आ सकता है, थोड़ा वेट करते हैं जस्ट डायल में। और ग्रैन्यूल्स में भी थोड़ा इंट्राडे में मूवमेंट आ सकता है, इंट्राडे ट्रेड एज अ ग्रैन्यूल्स हम लोग ले सकते हैं। तो मैं आपको मैसेज करता हूँ, वेट 1 मिनट, एक इंट्राडे ट्रेड मिला है वो हम लोग मैसेज कर लेते हैं। ग्रैन्यूल्स इंट्राडे ट्रेड है, ग्रैन्यूल्स हम लोग मैसेज कर लेते हैं, वेट 1 मिनट। ग्रैनुअल्स मैंने मैसेज किया है, चेक कर लो, इंट्राडे ग्रैनुअल्स, प्योरली इंट्राडे ट्रेड है ग्रैनुअल्स। और जस्ट डायल पे ध्यान देते हैं, जस्ट डायल पे ध्यान देते हैं, जस्ट वेट 1 मिनट। जस्ट डायल में भी ब्रेकआउट है, काफी अच्छा ब्रेकआउट है जस्ट डायल में, 850 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करेगा ना तो काफी अच्छा मूवमेंट आएगा उसमें, 850 के ऊपर सस्टेन करना उसको।
850 के ऊपर अगर चलता है तो ये बड़ा मोमेंट दे सकता है। फिर डेली चार्ट के हिसाब से देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको देखो जगह बहुत है 850 के ऊपर, इसमें कितना बड़ा जगह है देखो, यहाँ पर ये 1000 तक भी जा सकता है, बहुत बड़ा जगह है इसमें। ये जो फॉल आया है इसका रिट्रेसमेंट होना बाकी है, 1000 तक इजीली जा सकता है। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, 850 के ऊपर जाएगा तो ही बाय करेंगे, अभी बाय नहीं करना है, मैं आपको मैसेज करूंगा तभी बाय करेंगे, अभी नहीं, अभी फिलहाल वेट करो इसको। यस, निफ्टी हम लोग ने बाय किया है, बैंक निफ्टी सेल किया है, करेक्ट। यूबीएल बाय किया है, सोना कॉम हम लोग ने नहीं लिया है, सोना कॉम मैं रिमूव कर देता हूँ। जसडल भी हम लोग 850 के ऊपर बाय करेंगे, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। एलेक्स केमिकल, ये इंडिगो लिया है, यूबीएल लिया है, ग्रैनुअल्स लिया है, करेक्ट, चेक कर लो मैसेज। इंडिगो लिया है, यूबीएल लिया है, ग्रैनुअल्स लिया है, तीन ट्रेड लिया है। निफ्टी बैंक निफ्टी में फॉल तभी आएगा जब 18,000 के नीचे 15 मिनट के चार्ट पे कैंडल क्लोज होगा, तभी फॉल आएगा, उसके पहले फॉल नहीं आएगा। आज थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन हमें देखने मिल सकता है, निफ्टी ऊपर बैंक निफ्टी नीचे, ऐसे ऐसा डायरेक्शनल ऑपोजिट डायरेक्शन थोड़ा मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो आज आपको थोड़ा पेयर ट्रेडिंग काइंड ऑफ ट्रेड ज्यादा लेने पड़ेंगे। यूबीएल चलना स्टार्ट हुआ, यूबीएल पे ध्यान दो, यूबीएल चलना स्टार्ट हुआ 1637, नाउ यूबीएल चलना स्टार्ट हुआ 1638, यूबीएल पे ध्यान दो। ये गैप है यहाँ पर, ये गैप रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है इंडिगो, आई थिंक ये गैप का एक बार कैंडल क्लोज हो जाएगा ना ऊपर की तरफ 2100 के ऊपर, तो ये फिर 100 रुपये का रैली है इंडिगो में आज। यस, 2070 का स्टेक स्टॉप लॉस है, आई डोंट थिंक वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। यू कैन सी 2078 का लो बना के वापस रिकवरी हो रहा है इसमें। यूबीएल चलना स्टार्ट हुआ, यूबीएल पे ध्यान दो। यस, यूबीएल 1638, यूबीएल में मूवमेंट आएगा। निफ्टी शॉर्ट नहीं करना है आज, आज कुछ भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना है इंडेक्स में, इंडेक्स में सिर्फ आज पेयर ट्रेडिंग ही करना है, आज डायरेक्शनल ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि आज दोनों चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यू कैन सी 13 पॉइंट माइनस है, 170 पॉइंट माइनस है, तो आज डायरेक्शनल ट्रेड तो लेना ही नहीं है आज, सिंपल है। डायरेक्शनल ट्रेंड लेना ही नहीं है। एलेक्स केमिकल, एलेक्स केमिकल पे ध्यान देना, अगर ये स्टॉक मिलता है तो ये छोड़ना मत, मिस मत करना, इसमें बड़ा मूवमेंट आ सकता है, बहुत स्पेस है इसमें, 10-15% का मूवमेंट इजीली आ सकता है। एलेक्स केम, लक्ष्मी केम, सर्किट से निकलना चाहिए बस ये। ये बीजीआर जैसा स्टॉक लग रहा है, इसका पैटर्न थोड़ा बीजीआर जैसा लग रहा है। बीजीआर का क्या रेट हो गया, 106 नीचे आ गया बीजीआर, ठीक है। सर्किट पे सर्किट लग रहा था, 124 का कल हाई बनाया, रिट्रेसमेंट हो रहा है, ये भी इतना बड़ा मोमेंट आया तो उसका रिट्रेसमेंट हो रहा है, कुछ पैनिक होने का जरूरत नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी ऑपोजिट डायरेक्शन में आज थोड़ा स्मार्टली ट्रेड करना पड़ेगा डायरेक्शनल। यस आलोक इंडस्ट्रीज, यू कैन स्टिल एंटर। हाँ मिस्टर धीरज, यस आलोक इंडस्ट्रीज स्टिल यू कैन एंटर। ये ब्रेकआउट देगा ना 32 के ऊपर तो 45 तक का टारगेट है, 40 से 45 तक का टारगेट है, आलोक इंडस्ट्रीज मिस मत करना।
ब्रेकआउट देगा तो बड़ा मूवमेंट आएगा उसमें। एनएलसी इंडिया, एनएलसी इंडिया कौन सा स्टॉक है? एनएलसी इंडिया ये चेक करते हैं, ये कौन सा स्टॉक है? एनएलसी इंडिया, इसमें भी मूवमेंट आना चालू हुआ। एनएलसी इंडिया इसमें भी काफी अच्छा ब्रेकआउट है। एनएलसी इंडिया में मिड कैप काउंटर है कोई, इसमें आवरली चार्ट देखते हैं। आवरली चार्ट पे तो ब्रेकआउट काफी अच्छा है, वॉल्यूम भी है, डेली चार्ट पे भी ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है काफी अच्छा इसने। ये वाला ट्रेंड लाइन भी काफी अच्छा इसने ब्रेक किया है। ये जो टेल है यहाँ तक इजीली ये जा सकता है, 6-7 रुपए का मूवमेंट है इसमें। एनएलसी इंडिया ये स्टॉक पे थोड़ा ध्यान देते हैं, मार्केट वॉच में ऐड करके रखते हैं। लेट्स सी कहाँ तक जाता है, मार्केट वॉच में ऐड करके रखते हैं। जसडायल थोड़ा अच्छा लग रहा है, 850 का लेवल क्रॉस करेगा तो इस पे जरूर ध्यान देंगे, ये बाय करेंगे हम लोग जसडायल। जसडायल में बहुत बड़ा मूवमेंट है, अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो बहुत बड़ा मूवमेंट है इसमें। इसमें एक्चुअली ये स्मॉल काइंड ऑफ अ फ्लैग, छोटा सा फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बनाया है इसने, फ्लैग फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है, ये छोटा सा फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है। जसडायल में मूवमेंट आ सकता है एक्चुअली। एनीवन ट्रैक जसडायल? जसडायल कितने लोग ट्रेड करते हैं? इज इट अ नॉर्मल स्टॉक और इज इट अ वेरी वाइल्ड स्टॉक? व्हाट डू यू से, जसडायल कितने लोग ट्रैक करते हैं? नॉर्मल स्टॉक है या बहुत वाइल्ड स्टॉक है? यस प्लीज रिप्लाई। जसडायल कितने लोग ट्रैक करते हैं? जसडायल नॉर्मल स्टॉक है या बहुत वाइल्ड स्टॉक है? इट्स अ वेरी वाइल्ड स्टॉक, ये मतलब चलेगा तो कुछ भी हो सकता है, 8-10 टका 15 टका भी ऊपर जाता है, ये बहुत वाइल्ड है, मूवमेंट बहुत डेंजरस होता है इसमें। यस जसडेल पे जरूर ध्यान दो, ब्रेकआउट के आसपास है, मैंने मैसेज किया है जसडेल का भी। जसडायल इंडिगो यूबीएल ग्रेन्यूल्स ये चार ट्रेड मैंने दिए। जसडायल यूबीएल इंडिगो ग्रेन्यूल्स, इंडिगो में खाली एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, पॉसिबल है, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन, ठीक है सो लेट्स वेट, अभी तक हुआ नहीं है। बाकी तीनों स्टॉक में काफी अच्छा मूवमेंट आ सकता है। आलोक इंडस्ट्रीज मल्टी बैगर है, मिस मत करना, आलोक इंडस्ट्रीज में बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। जस्ट इंडिगो में हो रहा है, इंडिगो में हो जाएगा ब्रेकआउट, ये स्टॉप लॉस रिटर्न अभी तक हुआ नहीं है। वेट वेट वेट, 2069-70 के नीचे जाए तो एग्जिट कर देंगे इसको। इंडिगो में मॉर्निंग में एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है, अभी तक हुआ नहीं है। वेट, 2070 के नीचे नहीं गया है। वेट वेट, निफ्टी में थोड़ा फॉल आया, बैंक निफ्टी में भी फॉल आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी फॉल आया, निफ्टी में भी थोड़ा फॉल आया, आज ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों इंडेक्स। निफ्टी का कॉल बाय कर, निफ्टी में मतलब फ्यूचर बाय किया है और बैंक निफ्टी में फ्यूचर शॉर्ट किया है। इंडिगो एग्जिट करना पड़ेगा, वेट 1 मिनट, इंडिगो आवरली चार्ट देख लेते हैं, 15 मिनट का भी देख लेते हैं। इंडिगो एग्जिट करना पड़ सकता है, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। काफी अच्छा कैंडल बनाया था इसने, ब्रेकआउट कैंडल बहुत अच्छा बनाया था, बट
तुरंत इसमें सप्लाई आ गया, यू कैन सी हियर। ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक होगा तो फिर एग्जिट करेंगे। नेक्स्ट सपोर्ट इसमें बहुत नीचे आता है, नेक्स्ट सपोर्ट इसमें 2040 के आसपास आता है, तो इट विल बी अ वेरी बिग लेवल, बिग स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर है 2070 के नीचे अगर ट्रेड करें तो एग्जिट कर देंगे हम लोग। जैसे 1-2 मिनट होल्ड कर लेते हैं, 2070 के नीचे ट्रेड करना चालू हुआ एग्जिट करेंगे। एग्जिट कर दो, स्टॉप लॉस ट्रिगर एग्जिट कर दो। ये इंडिगो एसएल ट्रिगर है, इंडिगो एसएल हिट मैसेज कर दिया मैंने, चेक कर लो, इंडिगो में एसएल हो गया है। इंडिगो एसएल ट्रिगर है, एसएल हिट, इंडिगो एग्जिट कर दिया है। यस, ग्रैनुअल्स इंट्राडे ट्रेड दिया मैंने, 340-345 का टारगेट है इंट्राडे ग्रैनुअल्स। यस, एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है और बाकी हम लोग वेट कर रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट बुक कर लो, चाहिए तो 1100 के आसपास टच हो गया है तो आरती इंडस्ट्रीज एग्जिट कर देंगे। अगर आपको ट्रेलिंग एसएल करना है, 1085 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो उसमें। केएनआर कंस्ट्रक्शन, हेल्गी इक्विपमेंट, ये दोनों होल्ड रखना है। इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है बट आई थिंक इसमें सेकेंड हाफ में मूवमेंट आएगा। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में मैंने ट्रेलिंग एसएल सिखाया है, ट्रेलिंग एसएल कैंडल बाय कैंडल, वैसे ट्रेलिंग एसएल करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है। कैंडल टू कैंडल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिखाया मैंने उसमें, वो चेक कर लो। यस, एनएलसी इंडिया में भी मूवमेंट आना चालू हुआ है, एनएलसी इंडिया भी मूवमेंट काफी अच्छा ब्रेकआउट है, यू कैन सी हियर। 15 मिनट के चार्ट पे तो काफी अच्छा ब्रेकआउट है, आवरली चार्ट पे अभी एक बार स्कैनिंग कर लेते हैं क्योंकि 10 10 10 हो गया है, तो आई थिंक आवरली चार्ट का एक थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा और बेटर स्टॉक मिल जाएगा। केएनआर पे जरूर ध्यान देना, केएनआर में मूवमेंट आ सकता है, केएनआर रिकवरिंग है, केएनआर में मूवमेंट आ सकता है, जरूर ध्यान दो। आई थिंक सेकेंड हाफ में केएनआर में अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है, जरूर ध्यान देना। के एन आर मिस मत करना। के एन आर मैंने एक ऐसे ही रिस्की ट्रेड दिया है फ्री वाले ग्रुप में, वो आप लोगों के लिए नहीं है, आप ट्रेड मत करना। एक थोड़ा रिस्की मैंने ट्रेड दिया है केएनआर रिलेटेड, बट आप लोग के लिए नहीं है ये, ठीक है? फ्री वाले ग्रुप में मैंने ऐसे ही एक रिस्की ट्रेड दिया है।
SBI मेकिंग डबल टॉप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक करते हैं। टाइम फ्रेम भी बताओ मिस्टर शेरवानी, अगर आप बोल रहे हो ना डबल टॉप देन प्लीज टेल द टाइम फ्रेम आल्सो, टाइम फ्रेम भी बताओ तो इजी रहेगा। 15 मिनट के चार्ट पे तो कहीं भी नहीं है, डेली चार्ट पे। ओके डेली चार्ट चेक करते हैं, वेट 1 मिनट। KNR मैंने दिया है, KNR में मूवमेंट आएगा जरूर ध्यान देना सेकंड हाफ में, KNR में मूवमेंट आएगा जरूर ध्यान देना सेकंड हाफ। ग्रैनुल्स चल रहा है ये, नहीं ये डबल टॉप नहीं है मिस्टर शेरवानी, ये डबल टॉप नहीं है, दिस इज नॉट डबल टॉप। डबल टॉप तो ये लेवल के आसपास अगर बने ना दैट इज कॉल्ड डबल टॉप, आप बीच में से कहीं भी डबल टॉप नहीं बोल सकते, नो दिस इज रॉन्ग, ये डबल टॉप नहीं है। यहां पर अगर कहीं पे बनाएगा ना तो डबल टॉप है ये तो, इनफैक्ट यू कैन सी हियर इसने तो ये लेवल ब्रेक किया हुआ है, ये लेवल तो ब्रेक किया हुआ है, ये डबल टॉप नहीं है, दिस इज नॉट डबल टॉप मिस्टर हिरवानी, ये डबल टॉप नहीं है कृष्णा चंद, दिस इज नॉट डबल टॉप। यहां पर बनेगा डबल टॉप, यहां पर जाने दो उसके बाद बनेगा डबल टॉप, अभी नहीं है। केएनआर पे ध्यान दो, केएनआर में मूवमेंट आना चालू हुआ, चेक कर लो। एलेक्स केम, लक्ष्मी केमिकल, अगर ये स्टॉक मिलता है सर्किट से बाहर निकलता है तो इसको मिस मत करना, इसमें 550 तक जा सकता है, बीजीआर जैसा पैटर्न है, जैसे हम लोग ने डे वन को देखा था बीजीआर जैसा पैटर्न है इसमें, इसमें बड़ा मूवमेंट आ सकता है। वीकली चार्ट देखो यहां पर दिख रहा है, वीकली चार्ट ये 550 600 तक इजीली जा सकता है, बड़ा मूवमेंट आया है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट हुआ है, अभी वापस ब्रेकआउट दिया है, इसमें रैली स्टार्ट होगा ना ये इजीली यहां तक जा सकता है, 540 550 तक इजीली जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है, पॉसिबल है। सर्किट अगर खुलता है तो इसके ऊपर जरूर ध्यान देना। लक्ष्मी ऑर्गेनिक मिस नहीं करना इसको। पेड ट्रेड में क्या पीएनएल हो रहा है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द पीएनएल इन पेड ट्रेड, पेड ट्रेड में क्या पीएनएल है निफ्टी बैंक निफ्टी का, व्हाट इज द पीएनएल पेड ट्रेड मिस्टर पीवी मूर्ति, मिस्टर राकेश, इफ एनीवन ट्रेडेड 800 प्लस, ठीक है 2 से 3 हजार रुपये प्लस होगा ना पे ट्रेड में तब एग्जिट करना है, 2 से 3 हजार रुपये प्लस होगा तो एग्जिट कर देना पे ट्रेड में, 2 हजार से 3 हजार के बीच में कुछ भी अगर आ रहा है एग्जिट पे ट्रेड। हाँ पॉसिबल है आज आपको ऐसा देखने मिले कि निफ्टी 50 पॉइंट प्लस, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट माइनस, ये पॉसिबल है। आज क्लियर डायरेक्शन नहीं है दोनों इंडेक्स में, दोनों इंडेक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है ये लग रहा है, निफ्टी पॉजिटिव हो सकता है, बैंक निफ्टी नेगेटिव हो सकता है, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट माइनस, निफ्टी 50 पॉइंट प्लस, ये पॉसिबल है, ठीक है तो उस हिसाब से ट्रेड लेना, कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड पर्टिकुलर इंडेक्स में मत ले लेना। एक लास्ट टाइम स्कैनिंग कर लेते हैं, वॉल्यूम बेस्ड भी और ये भी, वेट 1 मिनट, लास्ट टाइम एक स्कैनिंग कर लेते हैं, अगर कोई नया स्टॉक आया है क्या, नया स्टॉक कोई नहीं आया है। ग्रीव स्कॉट, ग्रीव स्कॉट देखो 5% प्लस है, ग्रीव स्कॉट हम लोगों ने ये ग्रीव स्कॉट बहुत बार ट्रैक किया, ग्रीव स्कॉट अगर आपको याद है ये वेबिनार में बहुत बार डिस्कस हुआ ये ग्रीव स्कॉट। सन फार्मा भी ऊपर जा रहा है, सन फार्मा में भी ध्यान देना है, ग्रीव स्कॉट जरूर ध्यान देना, 5% ऊपर है, और कोई नया स्टॉक रेडार पर आया है क्या, चेक कर लेते हैं, वेट 1 मिनट। आप एनसीसी, टाटा केमिकल रेडार पर आया है, और नील कमल, ठीक है टाटा केमिकल का एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं, वेट 1 मिनट, टाटा केमिकल रेडार पर आया है।
यस, टाटा केमिकल में ब्रेकआउट है, काफी अच्छा ब्रेकआउट है, यू कैन सी हियर। टाटा केमिकल में मूवमेंट आ सकता है, यस, इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट है टाटा केमिकल में, 1,000 तक इजिली जा सकता है ये, 1,000 तक। ये देखो यहाँ पर कैंडल, कैंडल देखो, वॉल्यूम देखो, थोड़ा सा अगर डिप मिल जाता है ना 960, 965 तक, देन इट इज अ वेरी गुड बाय। 960 के आसपास अगर डिप मिल जाता है देन इट इज वेरी गुड बाय। अच्छा चलो जसडायल देखो, फटा क्या जसडायल, यस और नो? बूम, जसडायल, एनीवन वाचिंग जसडायल? कैन यू हियर मी? जसडायल, जसडायल देखो फटाफट, फटा क्या जसडायल, प्लीज रिप्लाई। 868, जसडायल पे ध्यान दो, जसडायल अभी मैंने आपको दिया है, चेक कर लो, फट गया जसडायल, 871 नाउ। आई होप ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग जसडायल। मैंने आपको बोला भी जसडायल में ब्लास्ट हो सकता है, यू कैन सी, चेक कर लो। एनीवन टेकन अ ट्रेड जसडायल, प्लीज रिप्लाई। इट्स अ वेरी गुड ट्रेड, हाँ ब्लास्ट हो गया है स्टॉक, मैंने आपको बोला भी वाइल्ड काउंटर है ये कुछ भी हो सकता है, 10-15% भी मूवमेंट आ सकता है। 873, 875 का है बनाया है, 845 में बाय दिया था। जसडायल देख लो, जसडायल चेक कर लो, ब्लास्ट हो चुका है, यस होल्ड है जसडायल, होल्ड है। 880 का, 920, 970 ऐसा मैंने टारगेट दिया है, ये 950 तक पोजिशनली जा सकता है, डेफिनेटली होल्ड है। पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करके 850 के आसपास, 860 के आसपास स्टॉप लॉस लगा दो, बस पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर लो थोड़ा बहुत क्वांटिटी, और 860 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो इसको, 950 तक पोजिशनल टारगेट है इसमें। जसडायल, आई होप ऑल ऑफ यू सीन द ट्रेड, यस और नो, प्लीज रिप्लाई। एनी वन टेकन अ ट्रेड? मिस्टर प्रदीप पट्टी, मिस्टर राजेश कुमार, मिस्टर रुचिरा, सॉरी मिस रुचिरा एंड श्रीराम, मिस्टर विशाल, जसडाइल, एनी वन टेकन अ ट्रेड? टाटा केमिकल पे ध्यान देना, थोड़ा सा डिप मिलेगा, काफी अच्छा बाय है, 965 के आसपास, 1,000 का टारगेट है टाटा केमिकल, इसके ऊपर जरूर ध्यान देना, 1,000 का टारगेट है, 1,000 का, ठीक है? ओके, वेबिनार एंड करते हैं, दोपहर में मिलते हैं, 2:30 को, 2:30 बजे मिलेंगे। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू।